नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिना यस के यूट्यूब चैनल पे। आज एमपीपीएससी 2021 का प्रीलिम्स हो गया है और हम लोगों का अब इंतजार होगा आंसर की का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आज का जो जीएस का पेपर हुआ है उसमें क्या क्या आंसर्स होंगे, मॉडल आंसर्स क्या क्या होंगे। वैसे तो अंतिम जो आंसर की है वो आयोग ही देता है, फिर भी इससे डिस्कशन से एक अनुमान ये लग जाएगा आप लोगों को कि आप लोग कहाँ तक पहुँच रहे हैं, और उससे मेंस की परीक्षा की तैयारी शुरू करने में सहूलियत होती है, क्लैरिटी रहती है। तो चलिए टाइम खराब ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मैं पहले आपको बता दूं कि ये जो है वो सेट ए है, तो ध्यान रखिएगा ये सॉरी सेट बी है, ये बी सेट है, तो ये उसमें लिखा हुआ नहीं है, ये सेट बी आप लोगों को सॉल्व करवाया जा रहा है। तो आप लोग क्वेश्चंस को मैच करवाइएगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न पूछा गया है, रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था। तो आपको पता होगा कि उस समय पे रणजीत सिंह के टाइम पे पंजाब जो था वो 12 मिसल्स में बटा हुआ था, और रणजीत सिंह के जो पिता थे महा सिंह वो सुकर चकिया मिल के सैनिक कमांडर थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, डी। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था। तो ये बहुत एक सिंपल सी बात है, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, सरदार पटेल जो थे उन्हें बनाया गया था, गृह मंत्रालय दिया गया था, गृह मंत्री बनाए गए थे, और रियासतों का जो विभाग था वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तीसरा प्रश्न पूछा गया, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था। तो ये जो स्टेटमेंट है वो लाला लाजपत राय का है, आंसर होगा ए। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से आरंभ की, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, साबरमती आश्रम से। आपको पता होगा है ना, 12 मार्च 1930 को, जो 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ था। फिर अगला प्रश्न पूछा गया, डलहौजी की व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था। तो इसका सही उत्तर है सतारा, डी। अप्पा साहिब ने अंग्रेजों की बिना सूचना दिए हुए ही दत्तक पुत्र अपना लिया था, गोद ले लिया था, जिसको लॉर्ड डलहौजी ने स्वीकार नहीं किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल होता है। तो एक बार आयोग ने फिर चिरपरिचित अंदाज में वही काम किया है, इसके दो आंसर्स होंगे ए और सी, क्योंकि उस समिति में विधानसभा अध्यक्ष भी होते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं, और मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं, मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो यहाँ पे दो आंसर सही हो जाएंगे। अब देखते हैं आयोग अपने आंसर्स में क्लैरिफाई करेगा इसको कि कौन सा वो मानता है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, यहाँ वर्ड यूज किया गया राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी, इससे तात्पर्य जो है मुख्यतः राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात कर रहे हैं। तो ये उत्तर हो जाएगा राज्यपाल ए। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन दिया जाता है या संदाय किया जाता है। बिल्कुल सही है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो तक होगा, बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है, कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित स्व हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा, ये गलत है, क्योंकि जो त्याग पत्र है वो निर्वाचन आयुक्त को अन्य निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति को ही देना होता है। इसलिए केवल सत्य कथन जो कौन से होंगे, एक और दो, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पूछा गया है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में कितने अधिकतम सदस्य होंगे। इसका सही उत्तर है 7, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। 10वां प्रश्न पूछा गया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या ना मंजूर करने की शक्ति किसमें निहित होगी। तो आंसर होगा बी, राष्ट्रपति, क्योंकि सेवा शर्तों से संबंधित अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है। अगर आप 51A या अनुच्छेद 51A क को पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ संविधान के पालन और आदर्श, यानी 11वें का उत्तर होगा ए।
अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतु क्योंकि अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया था। तो इसका जो सबसे सुटेबल आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए तृतीय संविधान संशोधन, क्योंकि तीसरा, छठा और सातवें संविधान संशोधन में विधानमंडलों का समर्थन की आवश्यकता पड़ी थी, इसके अंतर्गत समवर्ती सूची में परिवर्तन किया गया था, है ना, खाद्यान्न चारे के जो विषय थे, पशुओं के चारे के विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। तो ये तीसरा संविधान संशोधन यानी कि सी आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आती है? तो ये बहुत सामान्य सा प्रश्न है, ये सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार या ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है, यानी कि आंसर होगा डी, मूल क्षेत्राधिकार। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर को IMF के अनुमानों के आधार पर माना गया है, ये आंसर है इसका डी। अगर आप 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है, आर्थिक सर्वेक्षण ना भी पढ़ें तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB की वेबसाइट पे भी ये मौजूद है। मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष शुरू हुई? 1995 में, ऑप्शन होगा सी। ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होते हैं? प्रशांत महासागरीय पेटी में, सबको पता है ना। बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्कस श्रेणी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये लॉ एस के लिए जानी जाती है, अर्थात की डी, इसका आंसर है डी। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है? तो इसका आंसर है इंदिरा गांधी नहर, जो कि ऑप्शन में दिया गया है डी पर, सबसे बड़ी नहर है ये। निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा कृषि क्षेत्र पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? इसका अभी क्लियर आंसर नहीं मिला है, इसलिए इसको हम लोग अभी रख लेते हैं। इसका जो फाइनल आंसर की 1 या 2 दिन में हमारे टेलीग्राम चैनल पे आएगी, तो उसमें आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर क्या था? इसका सही जवाब है 31.15%, ऑप्शन डी। फिर पूछा गया, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई है? तो ये आप लोगों को पता है, 1984 3 दिसंबर की रात को, यानी कि ऑप्शन हो गया सी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सर्टोरी कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं? तो इसका उत्तर है अंडाशय ए, सर्टोरी कोशिकाएं जो है वो अंडाशय में पाई जाती हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय, बहुत आसान है, ऑप्शन है बी, न्यूयॉर्क। हाइड्रोक्लोरिक एमिड एसिड किस अंग में स्रावित होता है? तो सामान्यतः आप इसे पाएंगे पेट या अमाशय सी। स्कर्वी रोग इस विटामिन की न्यूनता से होता है, सबको पता है, विटामिन सी की न्यूनता से, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है, आप लोगों को पता है, बहुत सामान्य सा प्रश्न है, इसका उत्तर होगा ए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अगला प्रश्न पूछा गया, सूचना का अधिकार अधिनियम किस अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जुर्माना लगा सकता है? इसका उत्तर है केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, लेकिन ये इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका होगा कोई नहीं, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, सामान्य सा प्रश्न है, आंसर होगा ए, राज्यपाल द्वारा। अगला प्रश्न है, विकास निगरानी मूल्यांकन कार्यालय DMU का गठन कब किया गया? इसका आंसर है 18 सितंबर 2015, ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंगानुपात सबसे कम है, बहुत आसान है, भिंड में सी। मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? 11, ऑप्शन सी। किस वर्ष में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को महारत्न उद्यम का दर्जा मिला? इसका सही उत्तर है सी, दैट इज 2013।
इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? अमरकंटक में। ये आप सब लोग जानते हैं, बहुत चिरपरिचित क्वेश्चन है ये। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में है? इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, बहुत फेमस है। मलाजखंड, ऑप्शन डी। वर्चुअल कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा करता है, पासवर्ड चोरी, ट्रोजन प्रोग्राम दोनों हैं, स्पाईवेयर से भी सुरक्षा होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी से। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, इसको कहा जाता है फिशिंग, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। एक नेटवर्क वातावरण में जो सर्वर नहीं है, इसका आंसर होना चाहिए डी, नेटवर्क सर्वर। एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी नहीं है? ग्रिड जो है एक सामान्य टोपोलॉजी नहीं है, दैट इज ऑप्शन डी। सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है। देखिए ये अगर थोड़ा सा ये अलग तरह का प्रश्न है, तो इसका उत्तर होना चाहिए सी, फिर भी हम लोग इसको रखेंगे वापस एनालिसिस के लिए, है ना। आयोग देखते हैं क्या मानता है इस चीज़ को, क्योंकि जिस चीज़ को हम न्यायोचित ठहरा सकें, विश्वास दिला सकें किसी को कि यही सही है, वही ज्ञान कहलाता है। निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास उपकरण नहीं है? तो आंसर है रायसेन, ऑप्शन यानी सी। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है? तो नाना साहब पेंसे ये संगीतज्ञ थे। किस तीर्थस्थल का प्राचीन नाम मांधाता है? इसका सही आंसर है ओंकारेश्वर, यानी कि बी। तुर्रा कलंगी लोकनाट किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? निमाड़ में, आप सब जानते होंगे। तो हम लोग 44 तक पहुंच चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? ये बहुत फेमस है, दसपुर का जो अभिलेख है, जो बुनकरों के द्वारा वहाँ के सूर्य मंदिर की दीवालों पर जो छपवाया गया था, अभिलेख लिखवाया गया है, उसे पहला विज्ञापन माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी प्रकार ये जोड़ियाँ दी गई, राष्ट्रीय राजमार्ग जिसका आंसर जबलपुर होना चाहिए, तो इसका आंसर है, अगर आप मिलाएंगे, आंसर है सी, पहले का चौथा जबलपुर और दूसरे का बी, यानी कि भोपाल, राष्ट्रीय राजमार्ग 39। तो ये बहुत आसान है, अगर आपने याद किया होगा तो आपको बन जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से हवाई अड्डे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? भोपाल, इंदौर, खजुराहो, ग्वालियर। देखिए इसमें दो ऐसे हवाई अड्डे हैं जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट नहीं है, खजुराहो और ग्वालियर, तीन और चार। तो इसका सही आंसर है सी। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा स्थान जिला तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है दोंगलिया, मुंडी, खरगोन। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है सी, बारियाना घाटी परियोजना उज्जैन। ये गलत, सॉरी डी आंसर है, बारना घाटी परियोजना उज्जैन जो है ये सही सुमेलित नहीं है। फिर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई। सही है, मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है, ये भी सही है, इसमें क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है, अर्थात डी। फिर प्रश्न पूछा गया आपका, मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन से भारत के संविधान सभा में नहीं रहे हैं? देखिए केसी रेड्डी भी थे और हरि विनायक पाटसकर भी थे, इसमें से दो जो है निरंजन नाथ वांचू और सत्यनारायण सिन्हा, ये नहीं थे, तो आंसर सही हो जाएगा दो और तीन, यानी कि बी। अगला प्रश्न पूछा गया है, मध्य प्रदेश के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा के में सदन के नेता नहीं रहे? इसका सही आंसर है गोविंद नारायण सिंह, आंसर है बी। इसका आंसर आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे मध्य प्रदेश सरकार की, क्योंकि जब चतुर्थ विधानसभा में 1967 में गोविंद नारायण सिंह चीफ मिनिस्टर बने, उस समय सदन की नेता श्रीमती विजया राजे सिंधिया थी, बाकी सभी समय पे सामान्यतः मुख्यमंत्री ही जो है सदन के नेता रहे। तो इसका आंसर बी होगा। निम्नांकित में से कौन सा मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद पर नहीं रहे? इसका सही उत्तर होना चाहिए ए, क्योंकि राम किशोर शुक्ला हैं ऐसे व्यक्ति हैं जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे और बाद में वो अध्यक्ष बने, इन लोगों में, बाकी सभी के सभी सीधे अध्यक्ष बने हैं।
अगला प्रश्न पूछा गया, मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? इसका उत्तर होना चाहिए आंसर डी। इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायतों का जो पंच हो। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 55, मध्य प्रदेश में निम्नांकित में से कौन से जिला पंचायत की स्थायी समिति है? ये सभी के सभी जो है स्थायी समिति है, 1, 2, 3 सही है, आंसर होगा डी। मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाख दत्त बहुत फेमस है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? पीपल, पीपल का वृक्ष जो है सिंधु सभ्यता की आकृतियों पे पाया गया है, आंसर होगा बी। किसकी प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषता स्वायत्तता का विकास थी? चोलों की जो प्रशासन प्रणाली थी, खासतौर से उनकी जो स्वशासन प्रणाली थी, स्थानीय स्वशासन प्रणाली, वो बहुत प्रसिद्ध रही है, तो आंसर होगा बी। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया, एलोरा एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है? तो राष्ट्रकूट काल से। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? तो इसका आंसर है विद्याधर सी। अटल प्रगति पथ संबंधित है ग्वालियर में, 404 किलोमीटर का एक मेगा हाईवे है ना, जो मुरैना के आसपास के जिलों को जोड़ता है, तो आंसर होगा डी। अगला प्रश्न पूछा गया है, 600 मेगावाट क्षमता की 100 तरण परियोजना प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? तो इसका सही आंसर जो है वो है ओंकारेश्वर, जो कि इसमें भी लगा हुआ है, जिसने भी प्रश्न को सॉल्व किया है बी। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से। चिंकी यादव भोपाल की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित, सॉरी सॉरी ये हॉकी से संबंधित है, जो पिछले साल बहुत फेमस भी रहे हैं, है ना, तो ये इसका आंसर है 64 का सी। कटलिन नोवाक किस क्षेत्र की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? इसका आंसर है बी, हंगरी। सार्गेसो सागर कहाँ पे स्थित है? ये कई बार हम लोगों ने अपने टेस्ट सीरीज में भी पूछा है, तो इसका आंसर है उत्तरी अटलांटिक महासागर, आंसर ए। निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा राजनीतिक महत्व अधिक है? इसका आंसर होना चाहिए दोस्तों सी, स्वेज नहर का। निम्नलिखित में से कौन सा नवीन वलित पर्वत नहीं है? तो यह है सियरा निवादा ए। कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? बहुत सिंपल आंसर है, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया, ट्रक्स कृषि संबंधित है, यह है साग सब्जी से, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए। 71 में जो पूछा गया है आपको युग्म दिए गए हैं, और इसका जो सही आंसर है वो है बी। बेतवा जो है यमुना नदी की सहायक नदी है, छिपरा जो है वो चंबल की है, बीन गंगा गोदावरी की, तवा नर्मदा की। फिर अगला प्रश्न पूछा गया, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाले कई रेखा से प्रभावित है, बिल्कुल है। ग्वालियर गर्म ग्रीष्म काल के साथ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का एक उदाहरण है। मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों से वर्षा होती है, जी हाँ मालवा क्षेत्र में होती है थोड़ी बहुत। राज्य की लगभग 50% वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है, ये जो है पूरी तरह से सही नहीं है, जिसका आंसर होना चाहिए डी। निम्नलिखित सॉरी मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका उत्तर है डी, इंदौर। ये बहुत आसान सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? तो इसका उत्तर है अवसादी या परतदार डी। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती? तो बघेल खंड का जो क्षेत्र है वहां पे काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। आईटी अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पेश किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर, जी हाँ सभी को किया गया था, यानी उत्तर होगा डी। नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण के उदाहरण है जी, ये वैसे नहीं होना चाहिए इनमें से कोई भी, क्योंकि ये गेम थ्योरी पे संबंधित है, फिर भी ये इसे डी अभी मानते हैं, बट इसको वापस एक बार विश्लेषण किया जाएगा कि ये क्या है, इसका आंसर वैसे हम लोग इसको भी डी लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए एक खाली स्थान का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं गेटवे का, ऑप्शन होगा डी। इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहाँ विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होते हैं, जिन्हें कहा जाता है जी हाँ DNS, डोमेन नेम सिस्टम फाइल सिस्टम, इसका आंसर होना चाहिए सी। उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करती है, जिसे व्यवसाय स्वीकार अस्वीकार करता है, इसे होना चाहिए C2C, आंसर होगा डी। कार्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है?
बहुत सिंपल सा है, उत्तराखंड। सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, सबको पता है, ऑप्शन उत्तर होगा सी, 7 अप्रैल 1948। इसरो का पूरा नाम क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आंसर इज डी। किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगुइन दिवस पर एक भारतीय पेंगुइन को रेडियो है किया है, इसका आंसर है मध्य प्रदेश। जी आंसर, सही आंसर है इसका बी, मध्य प्रदेश। फॉस्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण किया जाता है, दूध के लिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। जी हाँ, इसका आंसर है ए, अखिल भारतीय संघ। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जी हाँ तीसरी में, क्योंकि हम सबको पता है पहली में अस्थायी रूप से अध्यक्ष बने थे, दूसरी में स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ था 11 दिसंबर को, और उसके बाद तीसरी जो बैठक हुई थी उसमें नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है, ये पिछले साल भी पूछा गया था, इस बार आप लोगों को गलत नहीं करना चाहिए राष्ट्रपति के आशय से। भारतीय संसद में शामिल हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। आंसर सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है, बहुत सिंपल सा आंसर है इसका सी ऑप्शन है, अनुच्छेद 17। मालव संबंध इस नाम से भी जाना जाता है, जी हाँ कृत संबंध के नाम से भी जाना जाता है इसको बी। निम्न में से कौन सा मध्यकालीन शहर छींट के छपे हुए सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था, जी हाँ ये आंसर है सिरोज, बिल्कुल सही इसका आंसर है सिरोज। सिरोज के मखमली यानी मलमली और छींट वाले जो सूती वस्त्र थे वो ब्रिटिश काल में बहुत ही प्रसिद्ध थे। निम्न में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित असत्य है, जी इसका आंसर है डी, सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सिपाही बहादुर सरकार की जो स्थापना है वो सीहोर में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 94 नंबर का जो प्रश्न है वो कहता है, निम्न में से किस जिले में गोट मार्च मेला आयोजित किया जाता है, तो ये बड़ा फेमस है, हम लोग अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, छिंदवाड़ा में। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो अगर आप इन ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो एक हिम तरंगनी एक ऐसी है जो आप जल्दी पहचान लेंगे कि माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, अर्थात ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी, ये सही सुमेलित नहीं है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है, इसका सही उत्तर है मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, यानी कि आंसर ए। विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है, इसका सही उत्तर है 31 अगस्त, ए 31 अगस्त। श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य से कला से जुड़े हुए हैं, आंसर है ए, आप लोगों को पता है इसी वर्ष इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। श्रीमती दुर्गाबाई व्यास किस जनजाति कला से संबंधित हैं, तो आप सब जानते हैं बोडी से, ए। और अंतिम प्रश्न पूछा गया है एक सुमेलित करने के लिए आपको दिया गया है, और जिसका जो सही आंसर है वो है डी, DCBA, यानी बालाघाट में जो होता है कोदो कुटकी होती है, और बैतूल में सागौन के जंगल हैं, खरगोन में आप देखेंगे तो मिर्ची उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, खरगोन की मिर्ची बहुत फेमस है, नरसिंहपुर जो है तुअर दाल के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा DCBA, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों हम लोग ने मैंने बहुत फास्ट इसको रिकवर किया है, क्योंकि एक कारण ये भी है आप जल्दी से जल्दी आंसर मिलाना चाहते हैं, तो इसीलिए इसको अभी हमें आपको भी जल्दी से जल्दी ये मैच करना होगा कि हमारे कितने सही हो रहे हैं, तो एक मोटे तौर पे अपने आंसर्स को मिलाइए, है ना, विद इन अ वीक हम सब जानते हैं कि आयोग अपनी आंसर की दे देगा, फिर उसमें भी संशोधन होता है तो फाइनल आंसर की आती है, तो लेकिन अभी जो ये मॉडल आंसर की सभी इंस्टीट्यूट देते हैं या सभी जगह आपको मिलेगा, उसका एक सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि एटलीस्ट हमें ये पता चल जाए कि हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं और हमारा कट ऑफ जो है कितना हो सकता है, सारे लोगों के जो ओपिनियन आने के बाद हम लोग उस पर जल्द ही एक नया वीडियो लेकर के आएंगे 1 से 2 दिन में कि कट ऑफ क्या हो सकता है, तब तक आप लोगों के द्वारा अटेम्प्ट किए गए प्रश्नों की उत्तरों की जानकारी भी हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद, और कोई आपका सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर सूचित करें।